डूड जहाँ से ये सब शुरू हुआ था कहानी वहीं पर आकर के रुक चुकी है। फैन उसी जगह से कुछ नई स्टोरीज को भी क्रिएट कर रहे हैं, वो अपनी थ्योरीज निकाल रहे हैं कि 169 चैप्टर में क्या होने वाला है। राइटर ने एकदम बहुत बढ़िया दिमाग लगा करके हमें बिल्कुल ऐसे उलझा करके रख दिया है। वेल, इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि फैन लोग क्या मानते हैं कि 169 चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। अगर लकीली आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए ना भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाओ मुझे वहां पर भी फॉलो करो। एंड चलो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा अभी हमें देखने को मिल रहा है ना, स्टोरी एकदम वापस वहीं पर आ चुकी है जहां से शुरू हुई थी, जो इसका स्टार्टिंग फेज था। और यही चीज दर्शाती है कि वन पंच मैन सीरीज अपने आप को आने वाले कुछ सालों में किस मुकाम पर ले जाने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि साइतामा कुछ इस तरह से टाइम ट्रेवल करेगा, लाइक वो वापस आएगा टाइम में एंड ये सब होएगा। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एंड इसी समय तो गारो को गॉड की पावर्स मिली थी, वो गॉड का थैंक यू कर रहा था, लेकिन उसी वक्त साइतामा आता है एंड एक ही पंच में उसका खेल खत्म कर देता है। और अगर आप यहाँ पर गौर करो तो यही वो सिचुएशन है जहां से सभी स्टोरीज क्रिएट हुई थी। फैन अपनी अपनी स्टोरीज क्रिएट कर रहे थे कि आगे बैटल में क्या होने वाला है, और यही वो सीन है जिसके बाद हमें गारो एंड साइतामा का एकदम सीरियस मोड देखने को मिला था। एंड यहीं से तो उन दोनों की एक्चुअल फाइट स्टार्ट हुई थी, और यहीं के बाद तो हमें साइतामा बहुत बहुत ताकतवर देखने को मिला था। लेकिन अगेन स्टोरी बदली जाएगी, इस स्टोरी में ब्लास्ट नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, किसी की मौत नहीं होगी, कोई टीम देखने को नहीं मिलेगी, कोई स्पेस में होल नहीं देखने को मिलेगा। बट क्या अभी साइतामा की वो जो एक्चुअल पावर्स हमें देखने को मिली थी वो सारी खत्म हो गई? वो जो ग्राफ हमें देखने को मिला था वो सारा क्या अब खत्म हो गया? एंड जुपिटर के मून में जो फाइट हुई थी उस फाइट के सीरियस मोड का क्या? एंड सीरियस नीज का क्या होगा? टेबल फ्लिप का क्या होगा? वो सारी चीजें खत्म? वेल, मेरे पर्सनल ओपिनियन से हाँ और ना। एक्चुअली में यहाँ पर आंसर मिक्स क्यों है? क्योंकि साइतामा ने अभी पूरी तरह से अपनी मेमोरी नहीं खोई है, अभी भी उसको याद है गारो के वो सारे अटैक्स। एंड अगर तुम जीनस की एंड साइतामा की कन्वर्सेशन में ध्यान दो तो उसने कहा था, जीनस क्या तुम जिंदा हो? मतलब अभी उसको याद है कि जीनस मर चुका था, तो यस अभी वो नहीं भूला है। और ये जो ग्राफ में हमें साइतामा की पावर्स दिखाई गई है ना, आई थिंक अभी उसको ये सारी पावर्स याद है। मतलब अभी साइतामा उतना ही ताकतवर है जितना हमें जुपिटर में देखने को मिला था। बट कुछ याददाश्त तो गई है ना उसकी, मतलब वो पहले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो चुका है लेकिन फ्यूचर से थोड़ा कम। और इसी साइतामा की मेमोरी की वजह से फैंस के अलग अलग बहुत सारे ओपिनियंस बने थे। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअल में साइतामा को अभी भी उसकी मेमोरी याद है, मतलब वो पूरी तरह से नहीं भूला है सब कुछ, क्योंकि अगर वो सब कुछ भूल गया होता तो वो देजा वो क्यों बोलता? मतलब उसको अभी याद है कि वो ऑलरेडी पहले भी कभी इस जुपिटर के मून में आ चुका है, इसीलिए तो उसने वहां पर टेलीपोर्ट होते ही कहा देजा वो, क्योंकि फ्यूचर वाला साइतामा ऑलरेडी वहां करके फाइट कर चुका है। बट इस चीज में भी सभी फैंस एग्री नहीं करते हैं। कुछ फैंस ये मानते हैं कि उसने देजा वो इसलिए बोला था क्योंकि जब वो लॉर्ड बोरोस के साथ फाइट कर रहा था और उस फाइट के दौरान जब वो अर्थ के मून में गया था ना, तो उस वक्त उसको वो मून वाली मेमोरी याद हो, और जब वो टेलीपोर्ट हुआ जुपिटर के मून में तो उसको वही मेमोरी की वजह से उसने देजा वो बोला। तो यस, यहाँ पर सभी फैंस की अलग अलग थ्योरीज है। वेल, कोई कुछ भी बोले, मैं खुश हूँ कि साइतामा की एक्चुअल पावर हमें नहीं देखने को मिली, क्योंकि अगर एक्चुअल पावर देखने को मिल जाती ना तो मांगा खत्म हो जाती, एंड इसका मतलब ये है कि अभी मांगा और आगे बढ़ेगी और मजा देगी। वेल, आप लोगों की क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो, फैन थ्योरीज फैन के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन एक्चुअल स्टोरी राइटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार कुछ भी बोलो, नेक्स्ट चैप्टर तबाही होने वाला है। वेल, आप लोग अपने ओपिनियंस मेरे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए हमें फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एंड चैनल पे लकीली पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।